आज अपना चापरी फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल लबैक क्लब अपना चापरी और जुनून क्लब को चांदना के दरमियान खेला गया। पहले हाफ तक दोनों टीमों में घुमसान की जंग जारी थी, वक्तन फवक्तन एक दूसरे पर हमले जारी थे। पहले हाफ के अख्तितम तक जुनून क्लब को 1-0 की बतरी हासिल थी। दूसरे हाफ के शुरू होते ही जुनून क्लब कोट चांदना लबैक क्लब अपना चापरी पर हावी रही और इब्तदाई मिनटों में गोल करके अपनी बेहतरी बढ़तरी 2-0 कर ली। जुनून क्लब कोट चांदना ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए लबैक क्लब अपना चापरी को 3-0 से शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल के मेहमान खसूसी तरीक इंसाफ यूसी चापरी के जनरल सेक्रेटरी जफरुल्ला खान बलोच थे। इसके साथ नूरजली सगरखेल एंटी नरकोटिक्स के मेंबर जानशर खान खटक भी स्टेज पर मौजूद थे। मेहमान खसूसी जफरुल्ला खान ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ मुसाफा किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ यूसी चापरी के जनरल सेक्रेटरी जफरुल्ला बलोच का कहना था कि पूरे फुटबॉल टूर्नामेंट को कवरेज दी है और भरपूर टाउन किया है, उसके बाद मैं इंतजामिया नादिर और उसकी टीम का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट इनेकाद किया है। अगर ये नौजवान जितने भी हैं, ये नौजवान हमारे मुस्तकबिल के आसास हैं। आप सब जितने भी खड़े हैं, आप इस मुल्क के, इस धरती के, शहीदों की सरजमीन खटक बिल्ट के आप असासा हैं। आप कोशिश करें जैसे नादिर एंड टीम ने ऐसे टूर्नामेंट बनाए हैं। पहले क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, आप ऐसे कोशिश करें कि ऐसे इंतजामात में इनके साथ ताउन करें। जो भी करें, चाहे वो कोट चांदना में हो, चाहे कमर मशानी में हो, चाहे चापरी में हो, चाहे जेड़ी में हो, अगर एक नौजवान भी किसी दूसरी उसमें सरगर्मी में मुलव्वस होता है, वहां जाता है किसी उसमें मनशियात में जुए में, तो वो हम सब का नुकसान है। वो एक ही बंदा जो होता है वो पूरे इलाके के लिए सरदर्द बन जाता है। आप इस धरती के असास हैं, आप कोशिश करें कि अपनी जो सरगर्मियां हैं वो ऐसे टूर्नामेंटों में, अपने पढ़ाई में, उसमें खर्च करें अपना वक्त, ताकि हमारा जो माशरा है वो ऐसे गंदे कामों से बच सके। मैं दाद देता हूं ऐसे नौजवानों को। तारीख में जो लोग नाम लिखते हैं, जो अजीम लोग बनते हैं, कोई भी पैदा होती ही अजीम नहीं बनता, वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, और ऐसे मेहनत जब बंदा करता है तो वो तारीख में नाम लिखता है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप भी ऐसे लोगों के साथ ताउन करें और अपना नाम तारीख में लिखें, अजीम बने, गलत कामों में ना जाएं। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया के जरिए अपनी हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, बबली खान और अहमद खान कोऑर्डिनेटर साहब को यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमारे मकसूद भाई आज पिंडी से नहीं आए, अटामिक में होते हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्टिव आए हुए हैं ऐसी चीजों में। उसने वीडियो बनाई थी ये कब्रों की। यहाँ हम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पूरे खटक बेल्ट में कोई भी ग्राउंड नहीं है किसी भी खेल के लिए। अगर हमारे नौजवान इतने बसालियत टैलेंटेड नौजवान, उनको हम जाया कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत से ये अर्ज है, गुजारिश है कि हमारे लिए एक ग्राउंड बनाया जाए जिसमें ये हमारे नौजवान अपना टैलेंट जाया न करें। हमारे नौजवान इस टैलेंट को आगे पाकिस्तान की टीमों में जाके तरक्की करें। हम इससे मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप इतने दूर दूर से चापरी में आए हैं और यहाँ फुटबॉल का टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसे अपना चापरी ग्रुप का एडमिन हूँ। मैं एज ए एडमिन इंशाल्लाह जो भी तावन होगा, एज ए सियासी वर्कर, एज ए समाजी वर्कर, इंशाल्लाह हर तावन आपके साथ मैं करूँगा।
और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन ऐसे कामों में हर टाइम ऐसे सरगर्मियों में हिस्सा लें ताकि दूसरे बुरे कामों से आप बच सकें और ऐसे लोगों के साथ ताउन करें। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। जुनून क्लब को एक दफा फिर से मुबारकबाद। आखिर में बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ी अमाद को इनाम से नवाजा और पहले सेमीफाइनल के विनर टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। कल इसी मैदान में जूनियर क्लब अपना चापरी और सिकंदराबाद की टीमें मद्देमुकाबिल होंगी।